इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुष्य को जीवन में दो बार सोचना है। तीर्थराज आपकी शरण में है। कब कब? जब जब हमें कोई विशेष अवसर प्राप्त हो, हमारा निर्णय कैसा हो। एक, जब जब अधिकार और कर्तव्य का चुनाव करना हो तो हम क्या चुने, अधिकार चुने या कर्तव्य चुने। अवसर मिले, हमारे अंदर क्षमता हो, तब तो अवसर को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो प्रणाम कर लेना चाहिए। परमार्थ की यात्रा में और व्यक्तित्व के विकास की यात्रा में आरक्षण काम नहीं करता, इसमें योग्यता काम करती है। चाहे जो हो, हम हो, आप हो, बच्चे हो, कोई हो, आरक्षण काम नहीं करेगा। यहां तो योग्यतम की उत्तर जीवता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो योग्य है वो विकास करेगा, जिसमें योग्यता है वो बढ़ेगा। चाहे कितना भी दबाओ, रौंदो, पटको, तोड़ो, वो बढ़ेगा। अरे क्या दुआ है वो, हीरा कब कहे लाख टके को मोल, क्या पहले क्या है तो दुआ है ना, रहमन हीरा का कब कहे, पहले वाला क्या है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टके को मोल। वो तो चमकेगा, हो चमकेगा, जो भगवत भक्ति करेगा वो चमकेगा, जो भजन करेगा वो चमकेगा। कोई हो न जाति न पाति, यहां कुछ नहीं, जो भजन करेगा वो चमकेगा। कहीं हो, हमारी आपकी यात्रा भगवत भजन से, जब अधिकार और कर्तव्य दो में से एक को चुनना हो तो कर्तव्य को चुनना चाहिए। जो कर्तव्य करता है उसको अधिकार स्वतः वरण कर लेता है। कर्तव्य प्रधान हुआ जाए, अधिकार की लड़ाई में ऊर्जा का ह्रास होता है, नुकसान होता है। मैं वरेण्य, नहीं दे, कोई दे, जिसको ये बना दे, यही बात है। गुरुदेव भगवान ने द्वादश सोचनियों की सूची देते हुए कहा, तात राव नहीं सोचे जोगू ना। हे भरत जी, आपके पिताजी भयव न अहई न अब हो निहारा भोप जस पिता विधि हरि हरु सौरपति दिशि नाथ पर नहीं दशरथ गुण। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भगवान महादेव आपके पिताजी के सद्गुणों की प्रशंसा करते। ध्यान रखिएगा, मर्त्यलोक में जो कीर्तिवान है वही देवलोक में भी कीर्तिवान है। इसलिए घर परिवार के लिए तो केवल कर्तव्य करना है कि किसी को कोई अभाव न हो, परंतु कृति वरण करने के लिए हमको सदकर्म करना है, धर्म करना है, पुण्य करना है, सदाचार में रहना है, संस्कार में रहना है। कौन कहां जा रहा है नहीं कहना है, अपने को सदाचार में रहना। छोटा 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 भगत, मैं दूसरी बार कह रहा हूं
95 का सन था, हम लोग आए थे यहाँ कथा गाने, आए थे तब तीनों लोग थे हम लोग, व्यास जी थे, लक्ष्मी थे, रूप राम थे, मशीन हारमोनियम तबला सब ढो ढो के लाए थे। लेकिन इतना शोर था कि दूसरे दिन कथा करके घर चले गए थे, क्या कथा करना यहाँ सब तो कर ही रहे हैं, चले गए। फिर कई वर्ष नहीं आए क्योंकि शोर बहुत होता है। बड़े सरकार शर्फी भवन वाले अपना पंडाल लगाए थे, वहीं पर आए थे, करेंगे, चले गए। बड़ी भावना थी, तब से प्रतिवर्ष आते तो रहते थे, फिर बच्चे संध्या कमलेश रचना बनाए तो इनके यहाँ एक दिन के लिए हम आते थे, प्रणाम करके चले जाते थे। जब आपकी निष्ठा होगी भगवान में, भजन में, यज्ञ में, जप में, तप में, दान में, पुण्य में, सत्कर्म में, तो भगवान ऐसा स्थायी योग बना देंगे कि वह व्यवहार आपका सिद्ध हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। निष्ठा बना, निष्ठा की प्रतिष्ठा है, निष्ठा न डोलनी चाहिए। हमारी सद गई, हम तो सिद्धांत बना लिए हैं, जो हो गया वो भगवान की इच्छा, और न हुआ तो समझ लो तुम्हारे पर भगवान की कृपा। प्रातस्मरणी पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज का ये तत्व सिद्धांत है, हो गया भगवान चाहते हैं, नहीं हुआ भगवान चाहते, हाय हाय नहीं करना है, आगे बढ़ना है, क्यों दम बनाए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जी आप लक्ष्मण शत्रुघ्न, बेटा जिनके ऐसे चार लायक पुत्र, ऐसे पिता की कौन प्रशंसा कर सकता है। आहा। अब हो निहारा, भूप भरत जसु पिता तुम्हारा। क्यों प्रशंसा किए? गुरुदेव भगवान चाहते हैं भरत राज तिलक स्वीकार कर ले। भरत जी ने क्या कहा बाद में चर्चा करेंगे। ये देखिए, गुरु जी ने तीन बात बताई, लाला धरती पर जिस जिसने पिता की आज्ञा का पालन किया उसका यश बढ़ा। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी, जगत साक्षी है, यश वर्धन हुआ। अयाति महाराज के छोटे पुत्र पुरु ने अपनी युवावस्था पिता को दे दिया, उन्होंने संसार का सुख भोगा, कोई उनकी निंदा नहीं करता। आप श्रुति सम्मत व्यवहार है, इसका पालन करिए। वेद विदित सम्मत सब ही का, जे ही पितु सोपावई, पिता जिसको देता है वही राजसत्ता का अधिकारी होता है। इसलिए सिर धरि राज रजायस करहु, महाराज की राज आज्ञा यह है कि आप ही राज सिंहासन पर विराजेंगे। अब जरा इस पर विचार करिए, क्या चक्रवर्ती जी महाराज की ये इच्छा थी कि भरत जी राज सिंहासन पर विराजें? नहीं। देखो आप, दे देना और दिलवा देना दोनों में अंतर है। जब हम देते हैं तो प्रसन्न होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दो बच्चे हों, बेटा बेटी, बेटे को कोई सामान कहिए उठा लो तो बेटा दो ले लिया, उससे कहिए कि ये जो आप लिए हैं ये आपकी दीदी का है, इनको दे दीजिए, तो वो सहज होगा, सरल होगा, तो प्यार से पहले ही दे देगा, और कलयुगी स्वभाव का होगा तो कहेगा लो लो, उसका है नहीं, उसको तो उसका मिल ही गया है, दीदी का भी वो लेना चाहता है तो क्या लगेगा,
अरे लो, और सतयुगी होगा तो कहेगा ये आपका है, आप अपना ले लो। ऐसा होता है। महाराज की इच्छा थी राम जी को तिलक करने का, माता जी ने वचन के अनुसार भरत जी को दिलवाने की रचना बना ली, तो चक्रवर्ती जी महाराज की सहमति नहीं थी। सहमति होते तो होता तो प्राण न जाता, प्राण चला गया, भरत जी ने टेक बना लिया। पुत्र को क्या करना, जेहि पितु दे सो पावहि टीका। समझ रहे हैं ना, नहीं धा रहा है, समझ रहे हो? जेहि पितु दे सो पावहि टीका। पिताजी ने किसको दिया, राम भैया को। गुरुजी भूमिका बहुत सुंदर बनाए हो, लेकिन धर्मशील व्यक्ति भूमिका से प्रभावित नहीं होता। जो धर्म तत्व को जानता है वो अधर्म भी जानता है। पिताजी की यदि सहमति होती तो उनके प्राण न जाते। देखो, मनुष्य का प्राण कब जाता है, जब समय आ जाए अथवा अति प्रसन्नता हो जाए अथवा अति दुखी हो जाए। तीन स्थिति में प्राणांत होता है। श्री चक्रवर्ती महाराज, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे जलधर, हे धनुर्धर, हे रघुवर, अब तो विदा चाहता हूं, विदा चाहता हूं। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तन पर हरे रघुबर बिला राव गयउ। ये फल है। भरत जी ने मूल तत्व को पकड़ा मित्रों माताओं, क्या कि जेहि पितु दे सो पावहि नाथ पद जिय के चरनी न जा। देखिए, झगड़ने से अधिक संतोष में सुख है। झगड़े में बड़ी उलझन है। जैसे रगरा में सुख है, झगड़ा में दुख है। रगरे बगल में बैठे हैं, कोई बात नहीं, ठुनकी करते रहिए, ठीक है, परंतु झगड़ा न करना चाहिए। किसको, इसको, जिसके भक्ति नहीं है वो चाहे जो करे, भगत को कभी झगड़ा न करना चाहिए। अरे विभीषण जी महाराज संत हैं, सज्जन हैं, साधु पुरुष हैं, रावण ने लात मारी यह कहते सुनकर, देहुतात प्रभु कहूं बै देही। दे दीजिए, तात चरण गही मांगू राखो मो दुलार, सीता देहु राम कहो अहित न होई तुम्हार, अतिहित हो ही तुम्हारे भी हो सकता है, लेकिन विभीषण जी कहते हैं अहित न हो ही तुम्हारे। यही मंदोदरी माँ भी कहती हैं, लेकिन मानता ही नहीं। और नहीं तो अरे लात मारी, एक नहीं तीन बार मारी, अस कही कीन है सी चरण पहारा। क्या कही, अरे मेरे नगर में बसता है, तपस्वियों में प्रेम करता है, जाकर उन्हीं से मैत्री करो, उन्हीं से मैत्री करो। अरे मारा लात। माँ भगवती ने पूछा, एक लात मारा तब भी विभीषण जी, दूसरा मारा तब भी विभीषण जी, तीसरा मारा तब भी। अरे बाबा ने कहा, उमा संत कई इहै बड़ा मंद करत जो करे ई भला। साधु कौन, संत कौन, कोई मेरा बुरा करे तब भी उसका हम अच्छा करें तो हम साधु। किसी ने हमारा बुरा किया, हम तो इससे उसका बड़ा बुरा करेंगे तो हम अपने को साधु नहीं कह सकते। ध्यान रखिए,
हम साधु तब हैं जब हमने स्वभाव को साध लिया है। बुरा किसी का भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का, जो बुरा करता है वो बुरा ही सोचता रहेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।